हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का एक न्यू फ्रेश वीडियो लेके। तो आई होप आप लोगों का आज का जो वीडियो देखने में मज़ा आएगा। तो गाइस, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक मॉस्टॉप को टेम किया है और उसके साथ साथ मैंने एक घर भी बना लिया मेरे लिए। तो आज का काम है कि मैं पैट्रॉन टेम करूं और मेरे सामने से भाई पैट्रॉन घूम भी रहा है 85 लेवल का। तो मैं इसको टेम करने की कोशिश करता हूं, कलर भी मस्त है। तो आज का पहला काम होगा मैं एक पैट्रॉन टेम करूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर पाऊँ। क्योंकि मैंने गाइज, अगर आप लोग देखोगे तो मैंने बस थोड़ा सा हिस्से, ये देख सकते हो, थोड़ा सा हिस्से मैंने बस एक्सप्लोर किया है। बाकी जो हिस्सा है वो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्लोर करूँ, उसके लिए पैट्रॉन चाहिए और ये वाला पैट्रॉन घूम रहा है इधर पर, तो भाई करना तो बनता है। सबसे पहले गाइज मैं बोला बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास देख सकते हो ट्रंक एरो वगैरह तो है मेरे पास, और इधर पे लगाते हैं। और सबसे पहले ना गाइस मैं बोला बनाता हूँ। बोला मैंने अनलॉक किया है क्या वैसे? ओके, बोला अनलॉक कर लिया। तो बोला बनाते हैं, 5 बोला बनाते हैं, देखते हैं। ओके, बन जाएगा 5 बोला। जल्दी से 5 बोला बना लेते हैं, उसके बाद मैं इस पैटर्न को टेम करने की कोशिश करता हूँ गाइस, क्योंकि पैटर्न टेम करना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए अभी के लिए, क्योंकि भाई उड़ने जाना पड़ेगा, उसके लिए पैटर्न चाहिए। और पैटर्न क्या खाता है मैं भूल गया, शायद से मीट खाता था क्या, मैं भूल गया। ठीक है, मैं मीट लेके चलता हूँ, ऐसे इधर पे खाना तो पड़ा है। तो और क्या, मीट तो ले लिया गाइस, और बाकी इधर पर देखते हैं वो बना है क्या। ओके, नार्कोबेरी बहुत सारा भाई, बहुत सारा नार्कोबेरी बन चुका है और भी बन रहा है। ठीक है, इनको बनने देते हैं। तब तक मैं ना ये जो पैट्रॉन है इसको टेम करता हूँ। किधर चला गया भाई? ओ भाई, पैट्रॉन किधर? भाई सब ऊपर देख रहे हो, मेहमत घूम रहा है। लेकिन ये साला पैट्रॉन किधर चला गया? ओ भाई साहब, इधर पे ये भी मैं टेम करूँगा। क्या बोलते हैं, टेक स्टेगोसोरस है शायद से। हाँ, स्टेगोसोरस कितने लेवल का है वैसे? 58 लेवल का है, सॉरी 54 लेवल का। और ये देख रहे हो पैटर्न ऊपर उड़ रहा है आसमान पे, तो इसको नीचे उतरने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो वेट कर लेते हैं। मैं ना एक काम करता हूँ, हाथ में ना ये जो बोला है वो रख लेता हूँ, क्योंकि कब नीचे उतरेगा पता नहीं। इसको नीचे उतरने देना पड़ेगा, और इस साइड पे उतरे तो अच्छा होगा, नहीं तो भाई किधर पे उतरेगा, उधर जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सेफ एरिया है ना, तो इधर पे रहेगा तो अच्छा ही होगा। ओके, चलो इसके उठने का वेट करते हैं। और मैं जो इधर पे देख रहे हो ये जो डॉल्फिन टाइप का, इसका नाम क्या है पता नहीं, तो ये मरा पड़ा है। और मेरे को ये पता चला कि ये ऐसे ही मरा पड़ा रहता है, मतलब ये गेम का ही एक पार्ट है। और इसको मैं हार्वेस्ट करूँगा ना, तो इससे मुझे वो जो गिली सूट बनाने के लिए जो चाहिए ना वो वाला चीज़ मिल जाएगा। उसका नाम मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड मैं देख ही लेता हूँ उसका नाम क्या है। इधर गई है ना, ऑरिगेनो पॉलीमर मिल जाएगा मुझे बहुत सारा। ये देखो उतर रहा है, तो इसको अभी टेम करना तो बनता है। अटक गया, और ओके हेड पे बजाते हैं, बस कम में हो जाए तो अच्छी बात है। बेहोश हो जा। ओके 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 गाइस, बेहोश हो चुका है। मैं सबसे पहले तो इसका एरो ले लिया, उसके बाद अभी इसको ना थोड़ा सा भूखे रहने देते हैं, ताकि मतलब थोड़ा सा आसानी रहे। और मैं ना बोला निकाल लेता हूँ। ओके, बोला निकलने, इसका इसको थोड़ा सा भूखे रहने देता हूँ, उसके बाद खिलाता हूँ ताकि फटाक से हो जाए। इसको ऊपर से मत चलो यार, मत यार मत करो ना, इसके ऊपर आने का क्या ज़रूरत है तुमको राइनो? ये राइनो भी 85 लेवल का, राइनो को भी हम लोग टेम करेंगे, क्योंकि राइनो को मैंने अभी तक कभी भी मतलब किसी दो मैप खेला है, रैग्नारोक और
नॉर्मल जो द आइलैंड होता है, दोनों मैप में किसी भी बार मैंने राइनो को टेम नहीं किया। इधर पे 2-3 राइनो तो घूम रहा है, उसको टेम करना तो बनता है भाई। वैसे पेगासोरस को मैं इसलिए मतलब पैरासोरस को इसलिए टेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको उतना वर्थ इट नहीं है मेरे को लग रहा है टेम करना। बाकी मैं ना नार्कोटिक लेके आता हूँ क्योंकि ये जो पैट्राडॉन है उसका थोड़ा सा अनकॉन्सनेस ख़त्म हो सकता है। मेरे पास रखता हूँ, कितना रखना है? हाँ, इसको हाफ करते हैं, हाफ करके रखते हैं, बाकी इधर पे डाल देते हैं। ठीक है, काफ़ी है इतना तो, 29 मिल गया ना। ये देख रहे हो भाई, इसका कलर देख रहे हो, अतरंगी कलर का। ओके ये अगर हो जाएगा ना तो मैं आराम से कर सकता हूँ, मतलब उड़ सकता हूँ आसपास। इसको थोड़ा सा नार्कोटिक खिला दिया मैंने, इसका फुटवर्क थोड़ा और होने दो। तब तक ना मैं एक चीज़ करता हूँ, पैट्राडॉन का शायद से मेरे पे सैडल नहीं है। ये तो कितना 23 पे क्या 39 पे या 38 पे रहता है ना, तो ये तो इजीली मिल जाएगा। रुक जाओ, ऐसे करने में दिक्कत होगा बहुत। ये रहा 38 पे, पैट्राडॉन का सैडल मैं निकाल लेता हूँ और बना भी लेता हूँ ना। हाइट भी है, फाइबर भी है और क्रिटिन शायद से है मेरे पास। तब तक ये भूखा हो जाएगा ताकि बहुत जल्दी मतलब टेम हो जाए, नहीं तो भाई देर लगता है। एक काम करता हूँ, खींच तो सकता हूँ, खींचने का प्रोसेस है तो खींच लेते हैं ना। ओके, पैट्राडॉन का गाइस सैडल बन रहा है फाइनली, और सामान था मेरे पास तो इसलिए मैंने बना लिया। लेकिन सबसे पहले तो भाई आज पैट्राडॉन टेम करने के बाद वो मैं घूमने जाऊंगा आसपास, थोड़ा एक्सप्लोर करने जाऊंगा क्योंकि एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है, नहीं तो भाई आसपास क्या है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा तो भूखा हो गया, इसको खाना खिला देते हैं। ओके भाई, देख रहे हो 79% हो चुका है। मैं यही बोल रहा था, थोड़ा सा भूखे रहने के बाद ना ये फटाक से हो जाएगा, तो 79 हो गया, और एक बार इसको खिलाने के बाद हो जाएगा ये। ओ ओ, ओ गाइज, और एक चीज़ गाइज मैं भूल गया था, पैट्राडॉन के ऊपर से कभी भी मतलब वो निकलो मत, क्योंकि भाई ये ना फंस जाता है, पता नहीं क्या ग्लिच है, इसके ऊपर से जाओगे तो फंस जाओगे। और पैट्राडॉन का बस वही बढ़ाना है, स्टेमिना बढ़ाना है और वेट बढ़ाना है ताकि मेरे पास जो सामान रहे वो ये उठा सके उसके साथ मेरे को। और ओके गाइस, फाइनली हो चुका है पैट्राडॉन। इसका मैं अभी नाम नहीं लिख रहा हूँ, इसका आप लोग नाम सजेस्ट करना, ये है फीमेल तो एक अच्छा सा फीमेल नाम सजेस्ट करना इसके लिए। ठीक है ना, तो मैं अभी नार्कोटिक निकाल देता हूँ और इसको इसका सैडल पहना देते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो पैट्राडॉन है वो तैयार हो चुका है। कितने लेवल का हो गया? 127 मैंने बताया था। ओके, अभी मैं आराम से मतलब उड़ सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ, नीचे आ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ भाई, एकदम इजी मतलब हो गया अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके ना इन्वेंटरी में थोड़ा बहुत फूड और डाल देता हूँ, उसके बाद चलते हैं एक्सप्लोरेशन पे। और गाइज अभी निकलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में, और मैं अभी कौन से एरिया पे हूँ मैं एक बार देख लेता हूँ, इस साइड पे हूँ ना, तो मैं ये जो नीचे की साइड है इस साइड इधर पे जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इधर पे ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है मैप, तो कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। ओके, पैट्राडॉन का लेवल अप भी आ चुका है गाइज, और इसका मैं स्टेमिना पे बढ़ाऊँगा। ओके, वेट भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि स्टेमिना ठीक ठाक है अभी, बस जितना भी लेवल मिलेगा ना गाइस मैं वेट में बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, अभी सब कुछ देखने में आसानी होगा, आसपास घूमने में भी आसान हो जाएगा अभी। ओके, इस तरफ तो भाई जंगल ही जंगल है। ओके, इधर पत्थर तोड़ने वाला अभी है तो ठीक है, पत्थर तोड़ने के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। भाई साहब क्या अतरंगी कलर का बटरफ्लाई है भाई, मज़ा आएगा देख। ओ भाई, इधर पे एंक्लो का फाइट चल रहा है, दो एंक्लो है। एक सेकंड, इसको मैं हार्वेस्ट कर लिया भाई, सही है। बस स्टैमिना लेना पड़ेगा, इधर पे आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो गाइस फूड भी आ जाएगा अभी अच्छा खासा, और एंक्लो को जो मार दिया था उसने क्या बोलते हैं एलोसोरस ने, उसका मैंने क्रिटिन निकाल लिया। ओके, इधर पे बहुत बसर हो रहा है गाइस,
मेरे को अभी ना एक स्पाई ग्लास के लिए वो भी चाहिए, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल भी चाहिए मेरे को स्पाई ग्लास बनाने के लिए। ओके रैप्टर दिख गया गाइस, इधर पे रैप्टर भी है, दो रैप्टर है इधर। और किसको मार रहा है, इक्वा को मार रहा है, इक्वा ये इक्वा ऐसा ही कुछ नाम है उसका ना, हॉर्स का। ओके इधर पे जेगुआ है, जेगुआ या जेराबुआ क्या नाम है पता नहीं, मैं भूल गया, लेकिन इधर पे है। इसको मैं टेम कर सकता हूँ वैसे तो, देखते हैं इसको कैसे टेम करते थे, मैं भूल गया एक्चुअली। ओके ये वाला मस्त है, ये वाला मस्त है। किधर पे मेरा एरो किधर है, ये रहा एरो। ओके बेहोश हो गया, इसको मैं डाल देता हूँ बेरीज। ये भाई शोल्डर टेम अच्छा हो जाएगा इसका। ओ 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 मैं हिल नहीं पा रहा हूँ गाइस, ओ शिट मैं हिल नहीं पा रहा, ये क्या हुआ, मैं हिल नहीं पा रहा। ओ भाई साहब उधर पे मार रहा है भाई। ओ गाइस इधर पे रैप्टर आ गया, लफड़ा हो गया थोड़ा सा, और मेरे को लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। मेरे जेराबुआ को मार दिया गाइस, वाइट कलर का मस्त जेराबुआ मिला था, लेकिन इन लोगों ने मार दिया तो मैं ओके मार देगा मार देगा मार देगा रैप्टर को मार देगा, लेकिन मेरा वाला भी मर सकता है भाई। ओके मेरा वाला जिंदा है भाई, सही है भाई सही है। इसका हेल्थ देख रहे हो एकदम लाल पीला हो गया भाई। इसको ना इधर पे बिठाते भाई, हरकतें करता है रैप्टर। मैं सोच ही रहा था कि रैप्टर आके लफड़ा करेगा भाई, इसको खिलाना पड़ेगा पहले तो। इसका मैं वेट बढ़ाता हूँ और इसको भाई खिलाते हैं थोड़ा सा। इसका हिल बहुत डाउन हो चुका है, और मैं ना भाई एरो इधर पे लगा के रखता हूँ भाई, वो नार्कोटिक एरो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके इसका हिल तो बढ़ चुका है भाई, रैप्टर आके ना लफड़ाई कर दिया भाई इसका। इधर पर और भी दो तीन रैप्टर घूम रहा है तो फिक्स तो है। ओके ये किसका नेस्ट है बे, रैप्टर का नेस्ट है क्या ये? ओ भाई ये नेस्ट किसका है बे? मेरे को पता नहीं चल रहा है नेस्ट किसका है। एक अंडा भी है उसके अंदर, लेकिन ये रैप्टर दिक्कत करेगा। अच्छा ये देखो इधर पे अलग सा, वो भाई साहब ये क्या चीज़ है बे, एक सेकेंड मेरे को ऊपर जाना तो भाई, ये अगर फुदक जाएगा ना लग जाएगा, फुदकने वाला स्किल रहेगा तो लग जाएगा भाई। थोड़ा ऊपर जाना दो, ऊपर से देखेंगे भाई आराम से। मेरे को रिक्स नहीं लेना है पैटर्न के साथ, क्योंकि भाई एक ही पैटर्न हाई लेवल का मिला है अभी तक, दो तीन रहता तो अलग बात रहता, लेकिन एक ही मिला है तो फिर मैं रिक्स नहीं ले सकता। पैटर्न का लेवल अब भी आ चुका है तो मैं वेट बढ़ाता हूँ। ओके ये देख सकते हो नीचे एक अलग तरह का रैप्टर टाइप का है, लेकिन इसका पूछ अलग है, मतलब ये अलग टाइप का डायनो है कोई। लेकिन कौन सा डायनो है ये पता नहीं चल रहा है मेरे को। इसका ही नेस्ट है इधर पे तो, ये जो अंडा वंडा दिख रहा है ना इसका ही है। ये देखो एक इधर पे घूम रहा है। मेरे को रिस्क लग रहा है इसलिए मैं नहीं जाता हूँ भाई, रिस्क लग रहा है मेरे को। मैं जब प्रिपेयर रहूँगा ना तब जाएंगे भाई, पता नहीं पुदक पुदक के आ गया ना मेरे मुंह के ऊपर एकदम लग जाएगा मेरा। ओके तो मैं ना इस तरफ एक्सप्लोर करने वाला था, तो इस तरफ चलते हैं एक्सप्लोर करने, देखते हैं। ओके इधर पे केव है गाइस, शायद से केव हो। ओके नहीं ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया गाइस, लॉल। इधर पे है क्या हिडन केव? नहीं 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 ये शुरू होते ही ख़त्म हो गया गाइस। ठीक है भाई मज़ा आएगा इस मैप को खेलने में, और नया नया डायनो भी मिलेगा। ओ भाई क्या मस्त वाटरफॉल है भाई, देख रहे हो? ओ भाई सुकून सुकून भाई, ये साउंड भाई सुकून है भाई,
मेरा गुजबम आ गया भाई साउंड सुन के, सच बता रहा हूँ भाई साहब, क्या साउंड है भाई। ओके, इधर पे थोड़ा सा अतरंगी फ्लावर है, मैंने सोचा कुछ जरबा वगैरह कुछ है, जाके देखा फ्लावर है भाई। एक सेकेंड गाइस, मैं इधर पे घूमते घूमते आ रहा था, तो इधर पे मैंने बैठा स्टैमिना इंक्रीज होने के लिए, और ये कुछ दिख रहा है मेरे को गाइस, किला भाई साहब, एक किला मिला भाई। मैं इसको गाइस सुबह एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि पता नहीं क्या रहेगा अंदर, कुछ रह भी सकता है, तो मैं अभी रिस्क नहीं ले रहा, इसको बाद में देखते। ये कौन सी जगह पे है वैसे, मैं मैप पे एक बार देख लेता हूँ। ओके, इसके आसपास है, ठीक है चलेगा, मैं इसको बाद में देखते हैं। ओके गाइस, सुबह हो चुका है और अभी मैं देखो मैप पे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे को बस अभी मेटल का लोकेशन चाहिए बस, तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखो इस तरफ तो पूरा देख लिया, इस तरफ देख लिया एरिया, अभी मैं जाना चाहता हूँ सीधा इधर ऊपर, ये जो बीकन, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, बीकन टाइप का जो भी है ये चीज़, इधर पे मैं जाके देखना चाहता हूँ अभी कि कहीं पे अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरफ मैंने अभी तक घूमा नहीं, तो इस तरफ जाके देखना पड़ेगा। और बस अतरंगी कुछ डायनोस से पंगा ना पड़ जाए, बस दिख जाए तो ठीक है, लेकिन पंगा ना पड़े, पंगा पड़ेगा तो भाई बहुत भारी नुकसान होगा मेरा। ये क्या है झुंड में, अच्छा ये भेड़िया का झुंड है भाई, हाइना का झुंड है भाई, देख रहे हो, मैं तो अच्छा ये क्या चीज़ है झुंड में भाई, झुंड में फाइट कर रहा है। ओ भाई किसके साथ, अच्छा साइबर टूथ के साथ पंगा ले रहे, वाह भाई सही है, चलो इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, जो करना है ये लोग खुद कर लेगा। ओके, तो गाइस मैं इधर से घूम ही रहा था कि मेरे को एक चीज़ दिखाई दिया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, इधर पे वो मिल गया, मेटल वाला स्टोन मिल गया, और इधर पे वो भी है, क्रिस्टल भी है, मेटल स्टोन और क्रिस्टल है, और इधर पे रेडवुड फॉरेस्ट है, तो रेडवुड फॉरेस्ट तो आप लोगों को पता ही है डेंजरस है थाइलोकोलियो के लिए। वो भाई अर्जेंटी भी था क्या, यस अर्जेंटी भी थे, ये थाइलोकोलियो है शायद से, शायद से अगर मैं गलत ना हूँ तो ये थाइलोकोलियो या साइबर टूथ। ओ ओ ओ ओ ओ भाई 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 साहब भाई साहब भाई, मैं डर गया साउंड सुन के भाई साहब। अच्छा अर्जेंटी भी था, ठीक है पंगा नहीं लेने का अभी, क्योंकि अभी गाइज मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि है क्रिस्टल और मेटल, तो मैं इस जगह पे उतरता हूँ, और आसपास डेंजरस तो कुछ दिख नहीं रहा है, उस साइड पे वो है रैक्स है शायद से, तो उससे मेरे को पंगा नहीं लेने का, मैं क्रिस्टल निकालने की कोशिश करता हूँ इससे, एक आध क्रिस्टल निकल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मेटल नहीं है मेरे पास, तो क्रिस्टल डायरेक्ट तो वैसे नहीं मिलने वाला है ज़्यादा, तो दो तीन क्रिस्टल मिल चुका है गाइस, तो अभी तक स्टोन ही स्टोन मिल रहा है, वाह। अगर स्टोन लेना होता तो मैं इतना थोड़ा ही ना आता। एक सेकंड, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो रैक्स के साथ फाइट हो रहा है, मैं इसी चीज का डरता हूँ भाई। अच्छा वो कार्लो सोरस है, ओके कार्लो और रैक्स का फाइट चल रहा है इधर पे, तो बाद में मेटल वाला स्वॉर्ड वगैरह, मतलब मेटल वाला चीज लेके फिर आएंगे मेटल निकालने, ठीक है। ये एरिया मुझे याद रखना पड़ेगा, मैं एक बार मैप पे देख लेता हूँ। ओके, ये जो पॉन्ट है उसके, ये जो पॉन्ट है पीछे के साइड उसके अपोजिट ही है माउंटेन पे, ठीक है चलेगा। और इधर पे अर्जेंटेविज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, अर्जेंटेविज भी पकड़ सकते हैं, फिलहाल तो भाई मेटल चाहिए, मेटल कलेक्ट करते हैं, और पता नहीं ये पैटाडोन मेटल लेके मेरे को लेके उड़ पाएगा या नहीं पाएगा, लेकिन देखते हैं।
ओके तो गाइज ये जो पत्थर था इधर पे, ये वाला पत्थर मैंने तोड़ दिया और मैं दिखाता हूँ कि कितना मेटल मैंने कलेक्ट किया। 25 मेटल कलेक्ट हो चुका है, मतलब इससे मुझे 12 12 मेटल मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो 12 मेटल से मैं ना एक मेटल वाला पिकैक्स बनाकर फिर आके इधर पे तोड़ तोड़ दूंगा कुछ, क्योंकि अभी भाई तोड़ना वर्थ इट नहीं है, सब वो बेकार ही हो रहे हैं। और मेरा पैटाडॉन भी भाई उड़ नहीं पा रहा है ज़्यादा लेंगे तो, भाई देख सकते हो उसका जो वेट लेने वाला क्षमता है वो फुल हो चुका है। तो पहुँचते ऐसे ही करके, बस किसी से पंगा हो जाएगा तो लग जाएगा मेरा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डेंजरस एरिया है। इधर पे ज़्यादातर एग्रेसिव जो डाइनो है वो है इधर पे, तो मेरे को थोड़ा सा सेफ्टी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको इग्नोर मारो, मेरे को प्यास भी लगा है तो प्यास भी मतलब पानी भी पीना पड़ेगा, नीचे ही चला जाता हूँ डायरेक्ट। तो गाइज आई होप आप लोगों का आज का जो वीडियो देखने में मज़ा आया, अगर मज़ा आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आज का वीडियो। और मैंने एक पेटाडॉन भी पकड़ लिया और मेटल वाला लोकेशन जो मैंने टारगेट लिया था वो दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया। तो चलो गाइज मिलता है नेक्स्ट किसी वीडियो पे, और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, इस चैनल पे ऐसे आर्ट रिलेटेड मस्त मस्त वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलो गाइज मिलता है नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।